नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। एक बार फिर से हम वैकेंसी की खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, साथ ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। दक्षिण रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए बंपर बहाली निकाली है और इसकी अधिसूचना जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आपको बता देते हैं कि आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो है 12 अगस्त। तो जो भी उम्मीदवार रेलवे के लिए इच्छुक हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है और इसीलिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें क्योंकि वक्त बहुत कम है। 12 अगस्त से पहले आप आवेदन कर दें। दक्षिण रेलवे की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन होना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको बता देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है sr.indianrailways.gov.in। इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और 12 अगस्त से पहले कर दें। अब आपको बताते हैं कि इस वैकेंसी में कितनी संख्या पर वैकेंसी आई है और किन किन पदों पर वैकेंसी आई है। तो दक्षिण रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 2438 पद खाली हैं, जिसमें कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी फिल्टर, वेल्डर, MLT, टर्नल, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा जैसे ट्रेड में भर्तियां होंगी। ये भर्ती दक्षिण रेलवे के विभिन्न डिवीजन में होंगी। तो ये वो पद हैं जिस पर ये वैकेंसी आई है, बम्पर बहाली है। आप जाकर के बिल्कुल आवेदन करें। अब आपको आपकी योग्यता बता देते हैं कि इन पदों के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं पास होना आपके लिए अनिवार्य है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया होना भी जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आप जान लीजिए कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवार इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि वो इन पद के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, क्या वो इन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयु सीमा काफ़ी लिमिटेड होती है। तो इसीलिए आयु सीमा जानना बेहद ही ज़रूरी है। जो आपकी अधिकतम आयु सीमा इसमें दी गई है वो है 22 साल। मतलब 22 साल से कम के उम्र के जो भी युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र 22 साल होनी चाहिए, 22 साल से ज़्यादा वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि XITI और MLT के लिए 24 साल रखा गया है। अगर आप इन पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 24 साल तक के युवा कर सकते हैं। साथ ही जो आरक्षित वर्ग है SC, ST, OBC के लिए छूट दी गई है, उन उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा मौका है। आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं और अगर आप 10वीं और 12वीं पास ही हैं तो ये आपके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी करने का, क्योंकि ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और ऐसे में उनके लिए काफ़ी अच्छा ये मौका है। तो 12 अगस्त से पहले आप जाकर के आवेदन कर दें अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। तो और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।